फतेहाबाद और सिरसा में जिला स्तरीय स्वच्छता प्लास्टिक फ्री एवं जल संचय मिशन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के प्रिंसिपल एवं प्राध्यापक मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने आए हुए सभी शिक्षकों को आह्वान करते हुए कहा कि आओ हम सब मिलकर अपने प्रदेश को स्वच्छ प्लास्टिक फ्री व जल संचय अभियान की ओर बढ़ाएं। इस दौरान उनके साथ श्री नवजोत सिंह संधु, सदस्य जिला ग्रीवेंस कमेटी, जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग जी फतेहाबाद, खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा जी, श्री शशि प्रकाश जी, सीताराम जी प्रिंसिपल सहित समस्त फतेहाबाद के प्रिंसिपल एवं प्राध्यापक उपस्थित रहे। आपका जो हमारा पानी है उसकी स्टोरेज की व्यवस्था हम अपने से शुरू करेंगे तो तब जाकर के बदलाव आएगा ना। हम ब्रश करते हैं, ब्रश करते हुए हमारा स्वभाव है, आदत है कि हम नल भी चला के रखते हैं, ब्रश भी करते रहते हैं। ब्रश हमारा एक मग में हो सकता है लेकिन ब्रश करने पर हमारे चार मग हो जाते हैं, खत्म, पानी चार मग लग रहा है। बातें बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन मायने बहुत बड़े हैं इनके। सुखविंदर जी ने कहा कि हम कोई कार्यक्रम करते हैं, जहां कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के अंदर जिस दिन कार्यक्रम होता है वो स्थान बहुत साफ सुथरा होता है और अगले दिन वहां जाकर के देखोगे तो दिशा और दशा देखने वाली होती है। ये बदलाव कब आएगा, कैसे आएगा? ये तभी आएगा जब हम जैसे लोग शुरुआत करेंगे। और ये बात मैं आपको दावे से कह रहा हूं, जब एक शिक्षक खड़ा होता है, जब एक शिक्षक काम के लिए निकलता है, लगता है समाज सेवा में, तो समाज के अंदर बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा उदाहरण खड़ा होता है, लोगों को, अनेक लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है, अनेक लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप अब खड़े होने का समय है, शिक्षक भाई बहनों, हम सब खड़े होंगे तो हमारा हरियाणा सुखद होगा, स्वस्थ होगा, आनंदित होगा। और यदि हम नहीं खड़े हुए तो जैसी निरस्ता हम सब के जीवन में है, अभी तो कम है निरस्ता, लेकिन और थोड़ा सा यदि इसी प्रकार की लापरवाही चलती रही तो आने वाले बच्चों का जो भविष्य है इतना निरस्ता से परिपूर्ण होगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कारण इसका हम सब हैं, हम सब ही इसका समाधान है और हम सब ही कारण हैं। हमें अपने अपने दायित्व को निभाना, अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाना, अपने अपनी ड्यूटी को निभाना, आज इस कार्यशाला का यही उद्देश्य है, यही मकसद है, आप सबके बीच में आने का यही मकसद है। और ये तय किया है कि इस बार हम पूरे हरियाणा के सभी शिक्षकों को जगा करके इस प्रकार का भाव उनके अंदर निर्माण करें कि वो अपने अपने विद्यालय से शुरू करें, अपने विद्यालय से शुरू करेंगे, कमेटियां बनाएंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे और कई प्रकार के कॉम्पिटिशन आप कर सकते हैं, पेंटिंग का कर सकते हैं, कविता स्लोगन कर सकते हैं, अनेक प्रकार की रैलियां निकाल सकते हैं। जितना वातावरण के अंदर, जितना समाज के अंदर जागरूकता के कार्यक्रम करोगे उतना ही वातावरण मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा और बदलाव आएगा।